तो हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल्स गाइस। जो भी सीबीएसई जो अभी बच्चे क्लास 10 12 के हैं और जो जा रहे हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम में, कंपार्टमेंट एग्जाम में या प्राइवेट वाले बच्चे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस प्लीज वीडियो को अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि सीबीएसई का एक नया सर्कुलर, एक नया नोटिस आ चुका है, तो आपको ये जानना बिल्कुल जरूरी है आप सभी को, ठीक है। सो प्लीज स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस सारे चीजों के होने के बाद में हम क्लास 9 से लेकर के 10, 11, 12 और उससे आगे भी सभी चीजों में हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए काफी नई चीजें लेकर आ रही है। आपके जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, 10 वाले बच्चे जो 11th में शिफ्ट कर रहे हैं उनके लिए, 9th वाले बच्चे जो 10th में आ रहे हैं उनके लिए, 9th वाले स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए यहां पे आपको सब कुछ दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल से लेके इंपॉर्टेंट वीडियो सॉल्यूशंस, क्वेश्चन आंसर्स, एवरीथिंग, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो गाइज यहां पे अभी मैं आपको बता दूं कि एक नया सर्कुलर आ चुका है, आप देख ही रहे हो सीबीएसई रोज एक नया सर्कुलर जारी कर रही है। तो सीबीएसई ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है, और ये सर्कुलर आनंद फानन में जारी किया गया क्योंकि सीबीएसई के जो सैकड़ों स्टूडेंट्स जो अभी कंपार्टमेंट में अपेयर हो रहे हैं या इंप्रूवमेंट वाले हैं, इन सब के मन में एक बड़ा सवाल था कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, ठीक है, उसका लेकर के क्या कुछ होगा। तो यहां पे सीबीएसई की तरफ से एक नया सर्कुलर आ चुका है फॉर द कंडक्शन ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम प्रोजेक्ट असेसमेंट, इसको लेकर के आपका जो प्रोजेक्ट असेसमेंट है या प्रैक्टिकल एग्जाम है उसको लेकर के एक नया चीज आ चुका है। यहां पे सीबीएसई के नए सर्कुलर जो मैं अभी आपको दिखा भी रहा हूं, इसके अनुसार स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेस्ड इन आरपी, वो सभी स्टूडेंट्स जो कि जिनको कि आरपी मिला है या आरपी आ गया है, यानी कि रिपीट इन प्रैक्टिकल, आरपी का फुल फॉर्म है रिपीट इन प्रैक्टिकल, तो आरपी आ गया है तो उनको, उनके लिए ये नोटिस जो है वो स्पेशली बहुत खास है। अब आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कि आरपी आया है कुछ सब्जेक्ट्स में, ठीक है, तो यहां पे इनको कहा गया है ऑल दीज स्टूडेंट्स हैव टू अपीयर इन प्रैक्टिकल एग्जाम्स इन इंटरनल असेसमेंट, प्रोजेक्ट असेसमेंट एज वेल एज इन थ्योरी एग्जाम्स ऑल्सो। तो सीबीएसई ने यहां साफ कर दिया गया है, कर दिया है कि इन सभी स्टूडेंट्स जिनका आरपी आया है इन सभी को प्रैक्टिकल एग्जाम्स, फिर इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट जो असेसमेंट है वो, ये सब तो करना ही होगा, और साथ ही साथ में थ्योरी एग्जाम्स में भी अपीयर होना पड़ेगा। इस बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, एन एक्साइटिंग अपडेट फॉर यू ऑल, अनअकैडमी हैज कम अप विद एन एक्साइटिंग टेस्ट सीरीज प्रोडिजी, और इसमें आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे आप ड्रॉपर हैं क्लास 12 में, 11 में या फिर क्लास 10 में। सबसे खास बात यह कि ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, और साथ ही साथ आप जीत सकते हैं एक्साइटिंग प्राइजेस। टॉप 2 रैंकर्स विल गेट 1 ईयर कॉलेज फीस स्पॉन्सर्ड बाय अनअकैडमी अप टू 5 लाख प्लस अ मैकबुक, प्लस यू कैन गेट 100% अनअकैडमी स्कॉलरशिप्स। एवरी डे अ लकी विनर विल विन एन आईपैड। मेन टेस्ट ऑन 14th and 15th August। सो गाइज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, मेरा कोड यूज कीजिए विशाल के आर और एनरोल करना स्टार्ट कीजिए आईआईटी जेई में। साथ ही 11th अगस्त से अन अकेडमी हैज लॉन्च्ड अर्ली गोगोल बैच 2.0 फॉर जेई मेन एंड एडवांस 2022, जिसमें नरेंद्र अवस्थी सर, नितिन जैन सर, विमल कुमार जायसवाल सर एंड मेनी अदर एक्सपर्ट एजुकेटर्स विल गाइड यू ऑल। तो गाइज मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप भी इस बैच का सब्सक्रिप्शन जरूर लें और यूज करें मेरे रेफरल कोड विशाल के आर को, और आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट तुरंत। फॉर मोर डिटेल्स गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। समझ गए मतलब मैंने क्या कहा अभी, कि जो भी स्टूडेंट जिनका भी आरपी आया है उनको प्रैक्टिकल एग्जाम्स में बैठना है, प्रोजेक्ट हो गया, इंटरनल असेसमेंट हो गया, वो सब तो करना ही करना है, साथ ही साथ में थ्योरी जो एग्जाम्स हैं उसमें भी लेना है। अब यहां पर इन्होंने पॉइंट वाइज करके 2 पॉइंट्स दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ये सर्कुलर सभी जितने भी एफिलेटेड स्कूल्स हैं सीबीएसई के देश भर में या विदेशों में भी, सबको कहा गया है कि स्कूल्स और स्टूडेंट्स दोनों को ध्यान देना है कि स्कूल को सबमिट करना है द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम्स इन थ्योरी पार्ट ऑल्सो। थ्योरी पार्ट में भी मतलब बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे कि रिपीट इन प्रैक्टिकल है तो सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, थ्योरी पार्ट से वो बच गए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि स्कूलों को ऐसे तभी जो जितने भी तमाम स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स का नाम कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए भेजना है, थ्योरी के पार्ट के लिए भी, ठीक है। और स्पेशली मैं आपको बता दूं गाइज कि ये जो सर्कुलर आया है ये क्लास 12 वालों के लिए ही है, ठीक है, क्लास 12 वालों के लिए ये ज्यादा मायने रखता है, इसको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट यहां सीबीएसई ने सर्कुलर में कहा है, कंडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट असेसमेंट, नो फेस टू फेस मोड एग्जाम। सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि फेस टू फेस जो एग्जाम होता है, मतलब स्कूल में आकर के
ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स या इंटरनल असेसमेंट या प्रोजेक्ट वर्क्स ये बिल्कुल भी फेस टू फेस मोड में नहीं लिए जा सकते, जब तक कि रेस्पेक्टिव जो जहां भी जिस स्कूल का बात होगा अगर वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है अगर वो परमिट करते हैं तो अलग बात है, नहीं तो बिल्कुल भी स्कूलों में जाके नहीं होगा, फेस टू फेस मोड में नहीं होगा, मतलब ऑनलाइन वे में ही कुछ कर करा के हटाना होगा। और यहाँ पे सबसे खास बात है एट द एंड इस सर्कुलर का कि ये सारा प्रोसेस यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्शन, प्रोजेक्ट मार्क्स को गैदर करना या इंटरनल असेसमेंट मार्क्स को एक जगह लाना, ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है और सभी स्कूलों को ये मार्क्स को भेज देना है कंसर्न रीजनल ऑफिस को बाय 31 अगस्त। 31 अगस्त से पहले पहले तक मार्क्स भेजा जाना मस्ट है ताकि सीबीएसई फिर इन मार्क्स को अपलोड करे और फिर जब तक थ्योरी का भी जो एग्जाम हो जाएगा उसका भी रिजल्ट आ जाएगा और फाइनली रिजल्ट आप लोग का आ जाएगा 30 सितंबर तक क्लास 10 12 जितने भी हैं। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर था, आई होप इससे आपको बेनिफिट मिला होगा। अगर आप इस रेंज में नहीं भी आते हैं तो जो मैं हमेशा कहता हूं कि यार किसी ना किसी को हेल्प कर दो क्योंकि इस वक्त सही इन्फॉर्मेशन सब लोगों तक पहुंचे ये बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी मैंने आपको कहा है गाइज जो हमारे इस चैनल का लगातार शुरू से वादा है, हमारे दोनों ऑफिशियल चैनल्स फॉर स्टडीज़ विशाल कुमार जायसवाल, ये दोनों चैनल आपको थ्रू आउट आपको हेल्प करेंगे आपके स्टडीज़ में। क्लास 9 से लेकर के 12 तक के लिए हम एक नई सीरीज़ ला रहे हैं जिसमें हम आपको डिफरेंट जो MCQs क्वेश्चंस हैं, टर्म 1 टर्म 2 की तैयारियां हैं, आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, सब चीज़ आपको मिल जाएगा बिसाइड्स अपडेट्स तो आपको मिलेंगे तमाम बोर्ड्स के, लेकिन आपको ये सारे थियोरेटिकल जो नोट्स हैं, प्रैक्टिकल नोट्स हैं या जो भी चीज़ें हैं सब कुछ आपको मिलेगा। तो बने रहिए गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।